हेलो, राम राम साहब। आप सभी को आज हम पहुंचे हैं करणी माता के मंदिर देशनोक में, और देशनोक में हम आपको पूरा मंदिर एक्सप्लोर करके दिखाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा शायद पहला व्लॉग है जिसमें हम अपनी ओवर वॉइस दे रहे हैं। ये आसपास आप दुकानें देख सकते हैं। ये दुकान में आपको जब भी आप देशनोक में जाओ, ये दुकानें आपको हमेशा के लिए खुली मिलेगी, प्रसाद की होती है। और यहाँ पर आपका नज़ारा बहुत ही शानदार दिखेगा। अक्सर लोग यहाँ पे फोटोशूट के लिए भी आते रहते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है। और इधर जो दुकानें हैं वो भी लगी हुई है, और साथ में माता जी का मंदिर बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और हमने भी पहले ये नहीं सोचा था कि इतना मतलब जितना शानदार दिख रहा है उतना शानदार होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम गए तो बहुत ही मतलब इन्जॉय के साथ मंदिर में दर्शन वगैरह हुए, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। ये यहाँ पे चांदी का गेट लगा हुआ है जिसमें माता जी महाराज की फोटोज है, और नीचे आप ये शेर भी देख सकते हो। ये पूरा गेट चांदी का बना हुआ है। ये लक्ष्मी जी का फोटो लगा हुआ है साथ में। ये इधर दूसरी साइड गेट है जिसमें भैरव जी महाराज की भी फोटो है, और भी बहुत सारे देवी देवता का भी फोटो है। अभी हम मंदिर के अंदर चले गए हैं। मंदिर के अंदर एकदम शांति है और भीड़ भी बहुत कम है, दर्शन आराम से हो जाएगी। तो हम यहाँ से आगे निकले और देखे कि आसपास एकदम रेलिंग वगैरह थी वो खाली थी। तो जैसे हमने गेट दरवाज़ा खोल के आगे की तरफ बढ़े और लाइन में लगे, और जब नंबर आया तो आगे देखा कि जो मेन मंदिर था उसमें भी मतलब भीड़ थी। फिर हमने वहाँ पे मतलब अपने कैमरे को ऑन किया और वहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर किया। ये जो आप देख रहे हैं दान पात्र है, और इधर जो रेलिंग वगैरह लगी रहती है, नवरात्र के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए रेलिंग से व्यवस्था की जाती है। यह मंदिर में आप देखो माता जी महाराज के मंदिर में आपको ये साक्षात दर्शन माता जी महाराज के। और यहाँ पे नवरात्र के समय में कैमरा वगैरह अलाउ नहीं रहते, अभी भीड़ उतनी नहीं है तो आप आराम से दर्शन कर सकते हो। हमने दर्शन किया, लेकिन माँ जो अंदर जो मंदिर है उसमें हमारे अलाउ नहीं करते कैमरा, तो हम बाहर से आपको दर्शन कराए। और ये इधर चूहे वगैरह रहते हैं, और क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि ये चो वाली देवी है करणी माता, और ये चूहे वगैरह यहाँ पे मंदिर में आपको बहुत सारे देखने मिल जाएंगे। साथ ही हम यहाँ से निकल गए हैं और हम पहुँच गए हैं जो इधर मंदिर है, दूसरे भी बनाए हुए छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पे, इनका वीडियो हमें दूसरे वाले जो पार्ट है उसमें मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो चूहे वगैरह दूध पी रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो सफ़ेद काबा बोलते हैं उसके दर्शन होना बहुत ही मतलब शोभा की बात होती है। और यहाँ से हमने इनको एक फोटो वगैरह ली, और ये बहुत बड़ा खड़ा है। मैंने पहली बार इतना बड़ा कोई खड़ाव देखा है जिसमें दूध वगैरह पक रहे हैं। यहाँ पे हमने सीढ़ी से ऊपर जाके आपको मतलब जो कड़ाव है वो पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये इतना बड़ा कड़ाव है देखो, और जो ये इसके अंदर आसपास भी है। ये बाहर का जो नज़ारा है, ये पत्थर के एकदम फूलों के डिजाइन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इधर से हम